गुड इवनिंग बेटे, सर गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। देखते हैं स्टार्ट करते हैं क्लास। थोड़ा सा डिले हो गया आज, को ना इतना ज़्यादा भी डिले नहीं है, अभी 5 to 7 मिनट्स हुए। कल भी हमारा क्लास 5:10 या 2:10 पे था, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखना आ गया आपको, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था आपका यूलर्स फॉर्मूला, उससे रिलेटेड देखना है। मीन्स अभी हम सॉलिड में चले गए डायरेक्टली, क्योंकि ये फॉर्मूला मेन है। मीन्स आपके पास हर जगह यूज होता है, एंड डेली लाइफ में भी यूज होता है, एंड आपके पास हर एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका। हर साल फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, एंड मैक्सिमम बच्चे इसको करेक्ट भी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको रॉन्ग भी करते हैं। तो आपको दोनों में से कोई सा भी नहीं बनना है, सही से करना है। तो अभी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो देखना है। सबसे पहले सॉरी, एक मिनट। हाँ ओके, देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है लेफ्ट राइट रिवर्स थ्री क्या, सही है। हाँ चलो, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि अभी मैं इतना राइट करने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली मैं स्लाइड्स आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखता हूँ, उसमें देखना सारी चीज़ आपको अच्छे से देखना है। पॉलीहेड्रा ज्योमेट्री का आपके पास पार्ट है पॉलीहेड्रा, इसके बारे में पहले देखते हैं। अब हम पॉलीहेड्रा आपके पास क्या है, सबसे पहले पॉलीहेड्रा की डेफिनेशन चाहिए आपको, मतलब किसी को जब स्टार्ट करेंगे हम, पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन चाहिए। पॉलीहेड्रॉन का मीन्स आपके पास पॉलीगन से बना हुआ। पहले हम पॉलीगन स्टार्ट किया था, तो पॉलीगन में क्या था आपके पास, लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप आपके पास, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। इसमें भी आपके पास क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर पहले आपके पास लाइन सेगमेंट के साथ पॉलीगन बना था। अब क्या है कि पॉलीगन के साथ में क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, पॉलीगन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर, वो आपके पास क्या होता है पॉलीहेड्रा। कहने का मीन्स आपके पास मेनी पॉलीगन से आपके पास क्लोज्ड फिगर बना है, तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीहेड्रा बोला जाता है। ये आपको समझना है, सबसे पहले डेफिनेशन भी यही है। थ्री डायमेंशियल, थ्री डायमेंशियल तो मैंने आपको बताया था, थ्री डायमेंशियल कौन कौन सी होगी आपके पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये आपके पास थ्री डायमेंशियल हो गई इसमें। तो आपके 3D फिगर बोला जाता है इनको, कौन सा फिगर बोला जाता है 3D फिगर, ये आपको ध्यान रखना है। 3D फिगर इसको यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मींस पॉलीगन्स आपके पास एंड टू एंड, जैसे आपके पास लाइन सेगमेंट में आपके पास एंड टू एंड पॉइंट मिला होना चाहिए, वैसे आपके पास पॉलीगन्स इसमें क्लोज फिगर में होना चाहिए, वो पॉलीहेड्रा होता है। जैसे कि मैंने एक शेप यहाँ पे बनाया क्यूब, जो हर जगह आप यूज भी करते हैं, क्यूब बनाते भी है, मैं भी बनाना सीख गया हूँ क्यूब, अच्छी बात है क्यूब बनाना। ये तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आता है इसमें फेस, इसके तीन मेन पॉइंट होते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया, फेस एजेज एंड वर्टेक्स, फेस एजेज एंड वर्टेक्स, ये देखना है। फेसेज आर द पॉलीगन्स दैट बाउंड द पॉलीहेड्रॉन, दैट बाउंड द पॉलीहेड्रॉन, बाउंड का मींस बंद करता है, मींस पैक करता है। तो आपके जो पॉलीगन्स यूज हुए पैक करने के लिए, वो आपके पास उसके लिए क्या बन जाएंगे, फेसेज बन जाएंगे। जैसे आपको सबको लर्न भी है, क्यूब में आपके पास 6 फेसेज होते हैं, सबको पता आपके पास क्यूब में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज आप यूज करते हैं। एज का मीन्स क्या आपके पास इज द लाइन सेगमेंट, एज क्या आपके पास लाइन सेगमेंट ही होगा, एज आपके पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट ये बनाया, तो ये आपके पास एज हो गया। एज इज द लाइन सेगमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पेसेज का जहां पर इंटरसेक्शन हो, वो आपके पास जो लाइन बनाया, जो लाइन सेगमेंट बनाया, वो आपके पास क्या होगा एज, एज अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं साइड बोलते हैं, यहाँ पर साइड का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास वर्टेक्स पॉइंट, इज ए पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एजेज, टू एजेज के आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ये आपके पास इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर ये बन गया आपके पास एंड यहां पर इस साइड ये बन गया, तो ये दोनों आपके पास क्या कहलाएंगे वर्टेक्स, ये आपको ध्यान रखना। एंड एजेज ये आपके पास इंटरसेक्शन साइड से, एंड ये आपके पास इंटरसेक्शन साइड से, उनको क्या बोला जाता है एजेज यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। एंड फेस आपके पास बाउंड करने के लिए, कोई भी पॉलीहेड्रॉन को बाउंड मींस पैक करने के लिए, जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, जैसे यहाँ पे भी क्यूब नहीं है प्रेजेंटली मेरे पास, वैसे काफी क्यूब्स रहते हैं, तो कोई क्यूब आपके पास, तो क्यूब को आपने पैक किया बाउंड किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा पेसेज बन जाएंगे उसके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन, इसी में क्या आता है आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रॉन,
जैसे आपके पास रेगुलर पॉलीगन है वैसे यहां पर क्या आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इज वन विच ऑल ऑफ द फेसेस आर द सेम रेगुलर पॉलीगन। जो पॉलीगन्स यूज हुए सभी पॉलीगन्स आपके पास कैसे होने चाहिए, सेम, या यहां पर कॉन्ग्रुएंट भी राइट क्या रह सकता था। कहने का मीन्स रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का मीन्स क्या आपके पास सभी जो पॉलीगन्स यूज हुए ऑल पॉलीगन्स आर सेम, मीन्स सेम रेगुलर पॉलीगन, मीन्स आपके जो भी पॉलीगन्स उसमें यूज हुआ है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आपके पास क्यूब है, क्यूब आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रॉन भी है, क्यूब आपके पास क्या है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन भी है, ये आपको जानना है। जैसे रेगुलर पॉलीगन में हम क्या करते थे, रेगुलर पॉलीगन के लिए आपके पास क्या यूज होता था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ऑल साइड्स इक्वल आपके पास तो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसमें क्या आपके पास ऑल पॉलीगन्स आर सेम। सेम का मीन्स क्या है, जैसे आपने ट्राइंगल यूज किया तो सभी ट्राइंगल्स होने चाहिए, अगर आपने इसमें स्क्वायर यूज किया तो स्क्वायर होने चाहिए, अगर आपने पेंटागन यूज किया ना तो आपके पास सभी पेंटागन्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं, देखना एक मिनट। ओके, जस्ट वन मिनट, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है इसके कारण बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हाँ आयुष सिंह बेटे, हाँ क्वेश्चंस भी आएंगे, हाँ कवि साज, हाँ ओके बेटे थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक क्वेश्चंस भी आएंगे, एक बार सभी के साथ आप शेयर कर दीजिए फिर क्वेश्चंस भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, देखते हैं अब इसके बाद यूलर फॉर्मूला मेन है वो देखना, अब आपको यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या है, सेकेंड स्लाइड अब हम देखते हैं। ये आपके पास मेन यूलर फॉर्मूला है, ओके देखना अब आपके पास यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं यहां पर। हाँ ओके भैया जी, हाँ गणेश अच्छी बात है, ओके देखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं यूलर थ्योरम, इसको क्या बोला जाता है, यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम जिसको आप बोल सकते हैं यूलर प्रमेय। तो इसमें क्या आपके पास ये मेन फॉर्मूला है, इसी बेस पर आपके पास सभी बने हुए, एफ प्लस वी मीन्स फेस एंड वर्टेक्स, फेस एंड वर्टेक्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, एज एंड एज प्लस टू, एज में अगर आप टू एड करते थे तो आपके पास दोनों इक्वल आ जाते, ये आपको ध्यान रखना है। एफ प्लस वी इक्वल एज में आपको क्या करना है, टू एड करना है, एफ प्लस वी इक्वल एज प्लस टू। एंड यहां पर इसी फॉर्मूला को अगर चेंज करके राइट किया हुआ है, इसमें एफ का मीन्स क्या आपके पास पहले ये देखना है, द नंबर ऑफ फेसेज ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, तो पॉलीहेड्रॉन है उनके फेसेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्टेक्स द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, वर्टेक्स मैंने लास्ट आपको पीछे बैक में डेफिनेशन बताया कि आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एंड ये इंटरसेक्शन साइड होगा, एज आपके पास क्या होगा, एज ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, वो आपके पास इंटरसेक्शन का साइड होगा एज। तो मींस आपके सबसे मैक्सिमम किसकी वैल्यू होती है, यहां पर एज की वैल्यू होती है, सबसे मैक्सिमम आपके पास किसकी वैल्यू होती है, एज की होती है। एंड एफ प्लस वी मींस इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, ई प्लस टू के इक्वल आता है। ये सभी ने फॉर्मूला पढ़ा भी है, लर्न भी कर लेंगे अभी, कि फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल एज प्लस टू, ये फॉर्मूला सबने लर्न कर लिया, सबको आता भी है। अगर इसमें नॉर्मल चेंजेस करते हैं, अगर आपने एज का साइड चेंज किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू। ये आपके पास सिंपल पॉलीहेड्रॉन के लिए यूज किया जाता है बेटे, ओनली 7 लाइक नहीं बेटे, आप लाइक्स इंक्रीज करेंगे तब होगा, तो आप एक बार सभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लेट हो गया, आज भी क्लास में डिले होते हैं, बच्चे टेंशन ले लेते हैं बेटे, जितने अभी टॉप चेयर चल रहा है उतना भी लाइक्स नहीं किया, तो लाइक्स इंक्रीज कर दीजिए एक बार क्योंकि डिले हो जाते हैं हमेशा के हमेशा ही। हाँ, इसके बाद देखना है, ये जो आप पॉलीहेड्रॉन यूज करते हैं सिंपल पॉलीहेड्रॉन के लिए, अगर आपके पास पॉलीहेड्रॉन क्या हो, जैसे आप देखते हैं एक टाइप का आपके पास बॉक्स आता है, अगर बॉक्स में आपने छेद कर दिया, आर पार आप देख सकते हैं, मींस क्रॉस सेक्शन आपने बना दिया, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन। अगर आप उसमें से देख पा रहे आर पार, मींस आर पार आप कहने का मीन्स इस साइड होल है, वो आपके सेकेंड जो फेस है उस साइड ओपन हो रहा है, तो उस टाइप के आपके लिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको सबको लर्न करना है, एफ प्लस वी इक्वल ई प्लस टू। इसके बाद मैं चलता हूं आपका नेक्स्ट लेकर एक अच्छी जगह, जिसमें क्या होता है आपके पास ये भी अभी हम यूज कर सकते हैं। हाँ ओके, पहले इससे पहले ये एक देखना आपको, यूलर्स कैरेक्टरिस्टिक मींस वैसे विशेषता होती है, यूलर
करेक्टनेस मीन्स आपके पास, जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो आप में क्या क्या विशेषता है, मतलब आप क्या स्पेसिफिक है उसमें, आपके बारे में रिप्रेजेंट करना है, आप कैसे बिहेवियर में रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास यूलर के लिए करेक्टरिस्ट पूछा जाता है, मीन्स विशेषताएं होती है, तो उसका क्या होता है, वो क्या चीज होती है। जैसे आपके लिए बोला जाए कि कोई वुमन के लिए, या जैसे मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए बोला जाए कि मनीष भैया के लिए आपको कुछ स्पेशल बताना है, तो जैसे मैं फटाता हूँ, बड़े बाल रखता हूँ, इस टाइप से आपके पास उस टाइप से कि व्हेन यूलर्स इक्वेशन इज रीरिटन, मीन्स आपको दोबारा उसको राइट करना है, एफ माइनस ई प्लस वी इक्वल टू, एफ माइनस ई प्लस वी इक्वल टू, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज द कॉल्ड द यूलर करेक्टरिस्ट, यूलर करेक्टरिस्ट बोल सकते हैं इसको हम, जो ये आपके पास यूलर करेक्टरिस्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूलर करेक्टरिस्ट, तो आपके पास ये होगा, ओनली ये लेफ्ट साइड वाला होगा जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, एफ माइनस ई प्लस वी, ओनली यही होगा आपके पास, ऐसा नहीं कि टोटल फॉर्मूला होगा, वो करेक्टर जिसमें स्पेशली बता रहा है, जैसे आपको पता है सबके आपके पास टू हैंड्स है, टू लेग्स है, तो इस टाइप से आपके पास ओनली स्पेशलिटी क्या है इसमें, एफ माइनस ई प्लस वी, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है, तो आपको स्पेशली ये राइट करना, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता आपके पास, जो भी मैं बता रहा था कि आर पार आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम भी लिया एक अच्छा सा, इस डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा वैसे अच्छे से, हाँ ओके देखना है, अब स्टार्ट करते हैं अब हम, हाँ देखना इसमें आपको जैसे डायग्राम यहां पर दिख रहा है, इसमें एक छेद दिख रहा है इसे पिंक कलर का, एंड अदर मैंने क्या किया इसको ग्रीन किया, एंड पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये आउटसाइड में यहां तक ओपन, अगर आपको डैश डैश अगर क्लियरली शो हो पा रहा है तो आप डैश डैश देखिए, अगर ये आपके पास पिंक कलर वाला है वो लास्ट तक ओपन है, मींस आप आर पार देख सकते हैं उसमें छेद आपके पास इस टाइप से ये बना हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास जनरलाइज्ड यूलर थ्योरम है, कहने का मींस ये एक अलग से फॉर्मूला बना है कि इसमें आपको जब फेस वर्टेक्स ये फाइंड आउट करना हो तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें इनसाइड में भी क्या होगा फेस बनेगा, तो वो आप कैसे काउंट कर पाएंगे उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला यहां पर नोट किया है, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके ये आपके पास क्या है एक क्यूब ही है, क्यूब है, क्यूब में आपके पास मैंने क्या है टनल, मींस इसको वैसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, क्या बोला जाता है इसको क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन होता था इसमें, मींस हम आर पार देख सकते हैं, इस साइड अपने पास ये तो सेकंड साइड जो ऑपोजिट फेस है वहां तक आपके पास ये ओपन है फेस, वही चीज आपके पास द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, वर्टेक्स द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, एज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, जी आपके पास क्या है स्पेशल, इसमें जी का अदर नेम हम क्या बोला जाता है यहां पर जीनस यूज किया जाता है, जीनस क्या चीज है यहां पर द नंबर ऑफ होल्स, द नंबर ऑफ होल्स, अब आप इसमें तो ये कहेंगे कि ओनली वन होल है, आपके अकॉर्डिंग जब देखा जाएगा तो आप ये कहेंगे इसमें वन होल है, अभी मेरे पास कोई शेप नहीं है यहां पर प्रेजेंटली, तो अगर मैं आपको उसमें से दिखा पाता ऐसा कि आपके पास जैसे आपने इस साइड से देखा इसको, इस होल को आपने इस साइड से देखा तो इसमें वन होल आपको क्लियरली दिख रहा है, इस साइड से अगर आपने देखा ऐसे तो इसमें आपको दिख रहा है ये वन होल हो गया, एंड सेकेंड साइड जब आप इस साइड से देखेंगे इसको, मींस फेस तो अलग अलग हो रहा ना, ऑपोजिट फेस पर है इसके रियर फेस पे, दोनों आपके पास रियर और फ्रंट फेसेस पे, वन तो आपके पास ये बन गया, सेकेंड आपके पास इस साइड से हो रहा है, ये इस साइड से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बना हुआ डोटेड क्लियरली, अगर आप इसको स्पेशल देखेंगे तो आपको ये डोटेड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास इसी के साथ बना हुआ है, ये टोटल बना हुआ है, इनसाइड में आपके पास अगर आप देखना चाहें तो एक क्या बना हुआ क्यूब, एक क्यूबोर्ड आप इसको ले सकते हैं, अरे क्यूब है तो क्यूब ही बनेगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बना हुआ है, इसमें अगर आप इस साइड से देखेंगे ये होल दिखेगा, तो इसमें कितने होल है टू होल है, इसमें कितने आपके पास टू होल हो गए, इस टाइप से आपको देखना है। एंड इसमें ये दिया हुआ है कि आपके पास जो जी की वैल्यू आएगी वो आपके पास टू के इक्वल आएगी या टू से ग्रेटर आएगी, आपके पास जी की वैल्यू टू के इक्वल या टू से ग्रेटर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। Then for any polyhedron that does not intersect at itself, तो ये आपके पास है f minus e plus v equal 2 minus 2g, 2 minus 2g, तो आपके पास इसमें अब आप कहेंगे vertex इसमें 16 का हुए, vertex आपके पास इसमें 16 का हुए, तो क्या आप काउंट कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
अब इसमें यहाँ पर ये जो पीछे बना हुआ है ये वाला इसमें दिख नहीं रहा, इसमें आपके पास थ्री ये बन गए यहाँ पर, जैसे एक तो ये हल्का सा यहाँ पे डोनेट किया दिख रहा है एंड इससे जो मिला हुआ है यहाँ पे ये भी बनेगा। तो इसमें टोटल आपके पास कितने वर्टेक्स पॉइंट होंगे, 16 वर्टेक्स पॉइंट होंगे, क्योंकि जो इनसाइड में उसमें भी बनेंगे आपके पास, जितने आउटसाइड में बने उस टाइप से आपके पास इनसाइड में बनेंगे। जैसे आउटसाइड में आपके पास 8 बने इसमें, तो इनसाइड में भी आपके पास 8 बनेंगे, 8 8 आपके पास टोटल 16 हो जाएगा इसमें, 8+8 टोटली आपके पास 16 हो जाएगा। एंड एजेज आपके पास 16 होती है, एजेस आपके पास इसमें 32 बन जाएगी अब, एंड फेस आपके पास 16 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इनसाइड में भी आपके पास फेस बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास वी माइनस ई प्लस एफ के इक्वल 0 आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आराम से इजीली कि आपने वी का वैल्यू पुट किया 16, ई का वैल्यू आपने पुट किया 32 एंड एफ का वैल्यू आपने पुट किया 16, 16 प्लस 16 32 माइनस 32 ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला इसके लिए, अगर आपके पास होल रहता है कोई भी पॉलीहेड्रॉन में आपके पास क्रॉस सेक्शन बना हुआ रहता है या होल रहता है उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। गेमिंग क्लासेस ओके, टेस्ट कितने मार्क्स आए? हाँ बेटे गणेश आपको बेटे मार्क्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ओके, देखना है इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक डायग्राम का देखते हैं, जैसे क्यूब क्यूबॉइड एक एक हम डायग्राम लेंगे, मीन्स एक एक सॉलिड्स लेंगे, उनके बारे में देखेंगे, फिर लास्ट में उनका एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे कि किसमें वर्टेक्स है, किसमें कितने एजेज है, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके देखते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सबसे पहले हम इसको याद से निकालते हैं क्यूब, वैसे क्यूब तो अपने पास इसी में भी बन जाता, ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी, क्यूब तो इसमें भी बन जाएगा। ओके देखते हैं, क्यूब तो डायरेक्टली बन गया। अब बेटे बार आपको लाइक्स इंक्रीज करना है इसमें, क्योंकि आप बेटे लाइक्स भी नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं लगती। ओके देखते हैं अब यह आपके पास बना है क्यूब, इसमें देखना आपको कितने वर्टेक्स है कितने फेस है, यह आपको देखना है इसमें। तो इसमें अगर आप क्लियरली देखेंगे, सबसे पहले हम फेस देखते हैं, फेस देखते हैं, फेस आपके पास कितने होंगे ये आपको चेक करना है। 1 2 3 4 4 हो गया आपके पास एंड 5 पे यहां पर जो मेरी ओर बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं मेरी ओर साइड बना हुआ है ये आपके पास 5 एंड ये इस साइड बना हुआ बैक साइड ये बना हुआ है ये आपके पास 6। तो टोटल आपके पास कितने फेसेज है इसमें, 6 फेस है इसमें, कितने फेस है 6 फेस है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट कितने बन गए इसमें, 8 वर्टेक्स पॉइंट आपके पास 8 है। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एफ प्लस वी इक्वल ए माइनस 2। तो F आपके पास कितना है इसमें 6 एंड वर्टेक्स कितना पॉइंट है 8 इक्वल ए माइनस 2। तो इसमें से आप इजीली निकालेंगे 8 प्लस 6 14 माइनस 2 इक्वल ए, माइनस 2 का साइड चेंज किया 14 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, सॉरी F प्लस V इक्वल ई प्लस 2, F प्लस V इक्वल ई प्लस 2। तो आपके पास प्लस 2 है, साइड चेंज किया माइनस 2, 14 माइनस 2 12, तो आपके पास एज कितना आ जाएगा इसमें 12, एज आपके पास कितना रहेगा इसमें 12, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्यूब के बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी सेम है बट क्यूब में आपने एक चीज देखा होगा कि सभी फेसेस इसमें सेम है, सभी फेसेस मींस या सभी पॉलीगन्स इसमें क्या है सेम यूज हुए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे यहां पर अब हम देखते हैं क्यूबॉइड, जैसे हमने क्यूब किया उसी टाइप से आपके पास क्या क्यूबॉइड है। हाँ ओके क्यूबॉइड देखते हैं, क्यूबॉइड में देखना अब आपको, क्यूबॉइड में क्या आपके पास वर्टेक्स पॉइंट भी इक्वल होंगे, जैसा आपके पास क्यूब में बना है उसी टाइप से होंगे, जैसे आपके पास क्यूब में बना हुआ है वैसे यहां पे राइट करना आपको, इसमें आपके पास वर्टेक्स पॉइंट कितने होंगे 8 एंड फेस कितने होंगे 6, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास जो क्यूब है क्यूब में जितने भी फेस बने हुए हैं वो आपके पास स्क्वायर शेप के हैं, क्यूब में फेस आपके पास कैसे हैं स्क्वायर शेप के, बट रेक्टेंगल में कैसे हैं रेक्टेंगल शेप के, ये चेंजेस हैं इन दोनों में। क्यूब आपके पास क्या एक रेगुलर पॉलीगन है,
क्यूब आपके पास क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, बट आपके पास क्यूबॉइड नहीं है, क्योंकि इसमें जो साइड वाला बनेगा वो आपके पास अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपके पास स्क्वायर भी बन सकता है, उसमें आपके पास स्क्वायर भी बन सकता है। कहने का मीन्स आपके पास क्यूबॉइड में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर फेस दोनों आपके पास इंक्लूड होते हैं, बट क्यूबॉइड क्यूब में ओनली स्क्वायर फेस। तो यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स 8 है, फेस आपके पास 6 है, एज आपको फाइंड आउट करना है, एज आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस वी माइनस 2, एज के इक्वल ए प्लस वी 8 प्लस 6 14 माइनस 2, तो एज इक्वल आपके पास कितना बन गया 12, एज आपके पास कितनी आ जाएगी इसमें 12, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेन। अब आपके पास है ये दो, तो आप शुरू से फटते भी आ रहे हैं, इन दोनों के बारे में क्यूब क्यूबोर्ड के बारे में देखा है। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब हम यूज करते हैं पहले प्रिज्म। पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिज्म तो वैसे यहां पे भी होगा अपने में, इसमें भी, इसमें प्रिज्म नहीं था, पिरामिड है, इसमें प्रिज्म नहीं है, आपके पास पिरामिड दोनों है इसमें, बट प्रिज्म हम यहां से ले लेंगे। ओके, देखना है प्रिज्म हम यहां से ले लेते हैं। प्रिज्म अब देखना, आपको प्रिज्म यहां पर बना हुआ है, प्रिज्म में आप देख रहे होंगे कि इसमें रेक्टेंगल भी बना हुआ है, स्क्वायर भी बना हुआ है, इसमें क्या बने हुए, रेक्टेंगल भी बना हुआ है एंड स्क्वायर भी बना हुआ है, वो दोनों आपको देखना है। इसमें पहले आप वर्टेक्स पॉइंट काउंट करते हैं, यह आपके पास क्या है प्रिज्म, यह आपके पास क्या है प्रिज्म, यह भी आपको ध्यान रखिए, आप भूल रहे कि प्रिज्म है या पिरामिड है। प्रिज्म क्या होता है, जैसे आपके पास सिलाई मशीन जो आप यूज करते हैं उसके ऊपर ढका हुआ रहता है, या कहीं आप आउटसाइड जाते हैं घूमने, टेंट बनाते हैं, तो आपके पास प्रिज्म टाइप का ही बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट है, पहले आपको वर्टेक्स पॉइंट काउंट करना है, कितने वर्टेक्स पॉइंट है। तो आपके पास ये एक तो हाइट रिप्रेजेंट करने के लिए इस डायग्राम में बना हुआ था, हाइट वाला नहीं है आपके पास वर्टेक्स पॉइंट, ये तो एक्स्ट्रा एड हुआ है, यह आपके पास 3 इस साइड हो गए एंड 3 इस साइड आपके पास वर्टेक्स पॉइंट हो जाएंगे, ये 3 आपके पास इस साइड वर्टेक्स पॉइंट हो जाए। टोटल वर्टेक्स पॉइंट आपके पास कितने इसमें 6 है, टोटल वर्टेक्स पॉइंट आपके पास कितने इसमें 6 है। एंड इसके अंदर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट देख लीजिए या फेस देख लीजिए, आपके कौन सा इजी रहेगा दोनों में आपको बता देता हूं, उसमें काउंट करके बता देता हूं आपको, फेस भी देखना है एंड आपको वर्टेक्स भी देखना है। फेस हम पहले काउंट करते हैं, तो आपके पास ट्राइंगल का एक फेस तो ये बन गया, ट्राइंगल का आपके पास एक फेस ये बन जाएगा, सेकेंड फेस आपके पास ट्राइंगल का इस साइड बन जाएगा, ट्राइंगल का सेकेंड फेस इस साइड, दो फेस हो गया आपके पास, थर्ड आपके पास ये रेक्टेंगल का ये बन जाएगा, थर्ड आपके पास ये रेक्टेंगल का बन जाएगा, थर्ड आपके पास ये रेक्टेंगल का ये बन गया, फिर फोर्थ आपके पास ये बन जाएगा, इसमें जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं आपको देखना है, आपके पास फोर्थ हो गए, इसके बाद फिफ्थ वाला देखना है जो इस साइड से बना है, इस साइड से भी हमने मिलाया नहीं है, ये सेकेंड राउंड अब हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके पास फिफ्थ का ये बन जाएगा। टोटल इसमें कितने फेसेस होते हैं, 5 फेस होंगे, कितने फेस हो गए 5 फेस हो गए। तो वर्टेक्स पॉइंट और आप इसमें से निकाल सकते हैं आराम से, वर्टेक्स पॉइंट आप देखेंगे, और सॉरी वर्टेक्स हमने राइट कर दिया था एज, यहाँ पे क्या राइट करना आपको एज, एज देखना अब आपको, एज अगर हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, फोर्थ आपके पास नीचे बन गई 4, इसके बाद 5 6 7 8 एंड 9, टोटल आपके पास एज कितनी बन रही है इसमें 9, तो इसमें बहुत ज्यादा हो गया, इसमें आपके पास टोटल एज कितनी आ गई 9, एज पॉइंट आपके पास 9 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी इक्वल ई प्लस 2, एफ आपके पास कितना है 5, वर्टेक्स कितना है 6, एज कितना है 9, 9 प्लस 2 ये भी आपके पास 11, ये 11, ये दोनों आपके पास 11 11 हो जाएंगे, इस टाइप से आपके पास देखना है। इसमें क्या हुआ है, अब इसमें पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्यूब क्यूबोर्ड के बहुत पुराने हो गए क्वेश्चंस, काफी टाइम से आ रहे हैं। हाँ गणेश, यस करेक्ट है गणेश, करेक्ट है। हाँ बेटे, इसमें अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ पहले कि ट्राइंगुलर फेस कितने, इसमें ट्राइंगुलर फेस कितने हैं, मीन्स मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल फेस, ट्राइंगल फेस कितने एंड रेक्टेंगल फेस कितने, ये आपको राइट करना है। यस गणेश करेक्ट है, निखिल गुजर करेक्ट है,
लिटिल चौधरी करेक्ट है, मुनीन से करेक्ट है, कविश करेक्ट है, राजमोहन करेक्ट है, हाँ राजमोहन करेक्ट है। ओके देखते हैं अब हम। ओके देखना है इसमें आपके पास क्या है। ये दो दो फेस बने हुए हैं आपके पास, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ इनको। ये जो दो फेस बने आपके पास, ये दो फेस बने, ये आपके पास ट्रायंगल शेप का है, एंड ये भी आपके पास कैसा ट्रायंगल शेप का है। ये दोनों आपके पास कैसे ट्रायंगल शेप के हैं। ट्रायंगल में आपके पास कितने बनेंगे, दो, एंड रेक्टेंगल में आपके पास कितने रहेंगे, वन। तो ये बन गया आपके पास सेकंड, आपके पास ये बन जाएगा, एंड थर्ड आपके पास जो नीचे का बॉटम का है ये बन जाएगा आपके पास। तो टोटल कितने फेस होंगे, रेक्टेंगल फेस थ्री, थ्री रेक्टेंगल है, टू आपके पास कैसे इसमें ट्राइंगल फेस है। ओके इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, पहले हम ट्राइंगुलर पिरामिड लेते हैं। ये आपके पास पिरामिड है, एंड कैसा पिरामिड है, ट्राई एंगुलर पिरामिड, जिसका शेप सही से नहीं दिख रहा होगा वैसे अपने मोबाइल में, ट्राई एंगुलर पिरामिड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्राइंगुलर पिरामिड में आपको राइट करना है पहले कितने फेस एंड कितने वर्टेक्स है, इसमें ये आपको बताना है। ट्राइंगुलर पिरामिड में कितने फेसेज एंड कितने वर्टेक्स है ये आप राइट कीजिए। ट्राई एंगुलर पिरामिड है ये, दिख रहा है इसमें सभी फेसेज कैसे, इसमें ट्राइंगुलर पिरामिड, एंड इसका अदर नेम क्या है, टेट्राहेड्रोन। इसका अदर नेम क्या आपके पास, टेट्राहेड्रोन भी इसी को बोला जाता है, ये ध्यान रखना आपको। टेट्राहेड्रोन बोल सकते हैं या ट्राइंगुलर पिरामिड आप इसको बोल सकते हैं। उनसे यस गणेश करेक्ट है, राजमोहन करेक्ट है। इनके बारे में एक अभी एक अच्छी चीज बताऊंगा जिसमें आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी जो आपके पास रेगुलर आएगा, कहने का मीन्स रेगुलर पॉलीहेड्रोन आएगा, जिसको प्लांटोनिक सॉलिड्स बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, प्लांटोनिक सॉलिड्स, तो उससे आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखना है इसमें आपके पास वन वर्टेक्स पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल वर्टेक्स पॉइंट इसमें कितने बन गए आपके पास, फोर। वर्टेक्स पॉइंट फोर है, एंड एज काउंट करना अब आपको, पहले वर्टेक्स आपके पास फोर है, एज आप काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल एज कितनी होती है आपके पास, सिक्स। एज सिक्स है, एंड इसके बाद आपके पास आता है फेस। फेस कितने बनेंगे इसमें आपको ये बताना है। तो फेस का आपके पास ट्राइंगल फेस का, एक तो नीचे ट्राइंगल का फेस एक फिक्स हो गया वन, फिर इसके बाद टू, इसके बाद थ्री, एंड एक ये इस साइड से ऐसे बना हुआ आपके पास, वो कितना आ जाएगा, फोर वाला, क्योंकि एक इस साइड से भी बना हुआ, वो हमें क्लियरली दिख नहीं रहा क्योंकि डैश डैश में तभी बना हुआ, ये बैक साइड में जो ये आपके पास ये फेस बना हुआ है वो आपके पास हमारे रियर साइड है, तो ये आपके पास एक ही बन गया। तो टोटल फेस आपके पास कितने होते हैं इसमें, फोर। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास एफ प्लस वी इक्वल ई प्लस टू, तो आपके पास एफ फोर है, एंड वर्टेक्स आपके पास फोर है, एज आपके पास सिक्स है, सिक्स प्लस टू एट के इक्वल आपके पास एट, ये आपके पास हमारा क्लियर है। इसको हम क्या नेम बोल जाते हैं, टेट्राहेड्रोन, टेट्राहेड्रोन एंड ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड, ये आपको ध्यान रखना है, इन दो नेम से इसको जाना जाता है, टेट्राहेड्रोन एंड ट्राइंगुलर पिरामिड। टेट्राहेड्रोन में क्या हुआ आपके पास, इसमें अगर आप देख रहे हैं कि जितने भी फेस बने वो आपके पास ट्राइंगल फेस बने हैं, जितने भी फेस बने वो आपके पास कैसे बने, ट्राइंगल फेस बने हैं, तो आपके पास फोर फेस है, फोर के फोर आपके पास ट्राइंगल फेस है, ये आपको ध्यान। अगर मैंने आपको बताया था कि सभी आपके पास सेम फेसेज बने, अगर इसमें आपके पास ऑल फेसेज आर सेम, देन उसको रेगुलर
पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं जिनको प्लांटोनिक सॉलिड्स बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, प्लांटोनिक सॉलिड्स। ओके अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये आपके पास स्क्वायर पिरामिड आ गया, ये आपके पास क्या हुआ, स्क्वायर पिरामिड आ गया। सारी चीजें सेम है, वही है। इसमें क्या हुआ, जहां पर ट्रायंगल फेस यूज हुआ था जो बेस के लिए, बेस में आपके पास जो ट्रायंगल फेस यूज हुआ था वो इसमें कैसा आपके पास रेक्टेंगल फेस में, वो कैसा आपके पास रेक्टेंगल फेस में। तो इसके लिए आपको राइट करना है फेस वर्टेक्स एज, इसके लिए आपको राइट करना है फेस कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे, इसमें एज कितने राइट होंगे, ये आपको बताना है। इसमें राइट कीजिए, देखते हैं किस किस का करेक्ट आता है। आदर्श कुमार वंजारे बेटे करेक्ट शायद आप, आदर्श कुमार बेटे आपका इनकरेक्ट है। राजमोहन बेटे देखते शायद बेटे, सभी का अलग अलग आ रहा आपका। एंड आप इतना सोचिए कुछ कैंडिडेट तो ऐसे राइट करें, इसमें एफ प्लस वी करेंगे तो 6511 होगा, एंड 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो राजमोहन आपका वैसे करेक्ट है, एंड कविश आपका भी रॉन्ग है बेटे। गणेश आपका करेक्ट हो सकता है, गणेश का करेक्ट है शायद, गणेश का करेक्ट है, बाकी अदर्स का रॉन्ग है। निखिल गुजर बेटे आपका भी इनकरेक्ट है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आप खुद देख सकते हैं आपने राइट किया बेटे, निखिल गुजर आपने राइट किया 5 वर्टेक्स है, 6 फेस है, एज 8 है, तो 5 प्लस 6 हम करेंगे 11, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना आएगा आपके पास 3, तो बट आपको डिफरेंस तो 2 ही चाहिए ना, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया यही पे। अगस्त यस बेटे आपका करेक्ट है। ओके देखते हैं अब हम आगे, आगे देखना आपको इस स्टेप में देखना है कि इसमें कितने वर्टेक्स पॉइंट बने। पहले सबसे चीज है कि आपका इजीली निकालने वाला वर्टेक्स पॉइंट, 1 वर्टेक्स पॉइंट, 2, 3, 4 एंड ये 1 बैक साइड पे, यहां पे 5 बनेगा, क्योंकि ये एक तो आउटसाइड से इधर से जा रहा है ये लाइन सेगमेंट, एक ही पीछे से जा रहा है, तो टोटल आपके पास वर्टेक्स पॉइंट 4 तो नीचे बने बेस पर, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल में आपके पास या स्क्वायर पिरामिड या रेक्टेंगल पिरामिड जो भी बनेगा आपके पास रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो उसमें आपके पास 4 तो नीचे बन गए एंड 1 आपके पास टॉप पर, तो टोटल आपके पास 5 वर्टेक्स पॉइंट होंगे, 5 वर्टेक्स पॉइंट है। तो अब आपको लाइन सेगमेंट देखना है, लाइन सेगमेंट देख सकते हैं या फेस देख सकते हैं, कोई भी एक इजीली निकाल लीजिए। तो इसके बाद हम लाइन सेगमेंट देखते हैं, लाइन सेगमेंट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड एक बैक साइड से आपके पास 8 एंड एक आपके पास बैक साइड से, मींस 4 तो आपके पास नीचे हो गए, 4 आपके पास ये रेक्टेंगल बना, इसमें यहां पर 4 ये बन गया आपके पास, नीचे आपके पास रेक्टेंगल बना 4, इसमें ये बन गए। अगर आप सभी को ओपन करते हैं तो इस साइड जाएगा आपके पास एंड ये इस साइड जाएगा, एंड ये इस साइड जाएगा आपके पास, एंड ये इस साइड जाएगा, ऐसे गया आपके पास सभी, तो 2, 2, 2, 2 तो ये आपके पास 4, 4 आपके पास, सॉरी इनको जब हम मैच करेंगे तो ये आपके पास ज्वाइन होगा, इन दोनों का एक बनेगा, फिर इन दोनों का एक बनेगा, इन दोनों का एक बनेगा, इन दोनों का एक बनेगा, क्योंकि दोनों मीट होंगे ना आपस में, आपके पास इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट तो बोला जाता है, तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, आपके पास टोटल कितने होंगे 8, 4, 4 आपके पास कितने आ जाएंगे इसमें 8, एज कितनी होगी आपके पास 8, फेस आप निकाल सकते हैं, फेस प्लस वर्टेक्स पॉइंट आपके पास कितना है 5, इक्वल एज आपके पास 8, 8 प्लस 2 आपके पास फेस के इक्वल 10 माइनस 5, फेस इक्वल आपके पास कितने आ गए 5, फेस आपके पास 5 रहेंगे। ये कैसे, अगर आप देखना चाहें तो डायग्राम में आपने देखा फिगर में, सबसे जो बेस में बना हुआ एक तो आपके पास ये हो गया, फिर 2, 3 एंड ये के आपके इस साइड से बना हुआ है 4 बनेगा, एंड एक ये बैक साइड से बना हुआ 5, टोटल आपके पास 5 फेसेस बनेंगे, क्योंकि ये 3D डायग्राम में इसमें इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आप बनाते वो देखना है। हाँ जल्दी जल्दी में, ओके कोई ना बेटे राजमोहन, ओके देखते हैं अब इसके बाद हम नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनमें से आता है एक एग्जाम में, फिर इनमें से आता है आपके पास एग्जाम में,
वो तो जो किया हमने वो तो मेनली आपका हो ही गया, लेकिन इसके अंदर याद से बनता है क्वेश्चन, वो क्या क्या बन सकता है, ये कौन से आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रोन है, कैसे आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रोन, कहने का मीन्स आपके पास प्लांटोनिक सॉलिड्स, जिनको क्या बोला जाता है प्लांटोनिक सॉलिड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आपके पास सेम फेस हो, सभी फेसेस आपके पास कैसे हो, सेम हो, कहने का मीन जो भी आपके पास पॉलीगन यूज किया हुआ है हेड्रोन बनाने के लिए पॉलीहेड्रोन, तो उसमें सभी सेम होनी चाहिए, या तो आपके पास ट्राइंगल हो गया, या आपके पास रेक्टेंगल हो गया, या आपके पास पेंटागन हो गया, जो भी आपके पास यूज किया हुआ है लेकिन वो सेम होना चाहिए। जैसे भी आप टेट्राहेड्रोन में देखेंगे, अभी टेट्राहेड्रोन में हमने देखा था सभी फेसेस कैसे थे, इसमें ट्राइंगल थे, सभी फेसेस कैसे थे, इसमें ट्राइंगल थे। क्यूब में आपके पास स्क्वायर हो सकता है, क्यूब में आपके पास स्क्वायर बनेगा। ऑक्टाहेड्रोन में इसमें भी क्या आपके पास ट्राइंगल बने हुए हैं, आप देख पा रहे एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ये शेप बना हुआ है, इसमें आप देख पा रहे एकदम अच्छे से, ये आपके पास कौन सा यूज हुआ, ट्राइंगल, जो बॉटम में यूज हुआ है। ऑक्टाहेड्रोन का मीन्स है जो टेट्राहेड्रोन ऊपर का बना हुआ, टॉप का बना हुआ है, वैसा का वैसा नीचे और बना हुआ। ऑक्टाहेड्रोन का मीन्स क्या है, टेट्राहेड्रोन जैसे आपके पास टॉप पर बना हुआ है, वैसे का वैसा आपके पास बॉटम में भी बना हुआ हो, वो आपके पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रोन, इसमें ट्राइंगल फेस यूज करते हैं। एंड डोडेकाहेड्रोन, डोडेकाहेड्रोन में आपके पास 12, ऑक्टाहेड्रोन में इसमें आपके पास 8, ऑक्टा का मींस 8, डोडेका का मींस 12, ये आपको बताया था, क्यूब है आपके पास इसमें तो 6 होती है, ये आपको ध्यान रखना, डोडेका हो गया। एंड लास्ट में आपके पास आइसोहेड्रोन, आइसोहेड्रोन आपको पता है कितने का होता है, 20 का, आइसोहेड्रोन आपके पास कितने का होता है, 20 का। आपके पास फर्स्ट है टेट्राहेड्रोन, क्यूब, फिर ऑक्टाहेड्रोन में 8 होता है, डोडेकाहेड्रोन में आपके पास 12 होता है, आइसोहेड्रोन में आपके पास 20 होता है। अभी हम आगे में आपको टेबल बताता हूं इनका, इसमें क्या यूज हुआ है, अगर आप यहां पे शेप देखेंगे एकदम अच्छे से, तो क्या यूज किया गया है इसमें, पेंटागन, इसमें क्या यूज किया गया, पेंटागन। एंड लास्ट में आपके पास क्या, फिर से ट्राइंगल, ये 3 ये यूज किया जाता है, या तो ट्राइंगल यूज किया जाएगा, ट्राइंगल के बाद क्या यूज किया जाएगा इसमें, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपके पास क्या आता है, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ये मेन आपके पास यूज किया जाता है। अब इनमें एक एक में देखना आपके पास किसमें कितने वर्टेक्स है, किसमें कितने एज है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे निकलते हैं, लक्षित मलिक बहुत अच्छे है, ओके बेटे आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, डेली क्लास में आते हैं, हमसे मिलकर जाते हैं, अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और यहाँ पे टेबल भी निकाल देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये रहा आपके पास टेबल, अब देखना पीछे चल के सभी मैंने कौन कौन सा बताया था, हाँ ऑक्टाहेड्रोन, ओके बेटे देखते हैं, ये मेनली वैसे 9th के लिए और RIMC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th के लिए आगे इतना नहीं पहुंचता है, 6th के लिए जो पीछे रह गया वो आज तक ही रहता है, मतलब जो पीछे हमने कर लिया उतना सफिशियंट है। इसमें देखना अब आगे, आगे आपने सबसे पहले देखिए टेट्राहेड्रोन है, टेट्राहेड्रोन में आपके पास फेसेज कितने, 4 है, टेट्राहेड्रोन में आपके पास फेसेज कितने बने हुए, 4 है, वर्टेक्स 4 है, एज आपके पास 6 है, और जितने भी फेस होंगे वो किस शेप के होंगे, ट्राइंगल फेस के होंगे, कैसे होंगे आपके पास, ट्राइंगल फेस के, ये पूछा जा सकता है। इन ए टेट्राहेड्रोन, टेट्रा का मीन समझते बच्चे, क्या समझते हैं, 4, टेट्रा का एक्चुअल में मीन्स 4 ही होता है, लेकिन वो आपके पास 4 फेसेस के लिए यूज हुआ है, आपके पास किसके लिए यूज हुआ है, वो 4 फेसेस के लिए यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 फेसेस यूज होते, ये नहीं कि उसमें आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, उसमें फेस आएगा वो ट्राइंगल फेस शेप का आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आराम से। इसके बाद क्यूब है, क्यूब में आपको पता है 6 फेस होते हैं, इसमें 4 हो गए, क्यूब में 6 हो गए, ऑक्टाहेड्रोन में 8 है, एंड पेंटागन में 12, सॉरी डोडेकाहेड्रोन में आपके पास 12 है, एंड आइसोहेड्रोन में आपके पास कितने, 20 है, ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यूब में 6 है, ऑक्टाहेड्रोन में 8 है, डोडेका में 12 है, एंड आइसोहेड्रोन में आपके पास 20 है, तो ये ऑपोजिट में ही है, देखिए 12 यहाँ पर है, फिर 20 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, फिर 6 यहाँ पर है, 4 अपना आपस में है, ऑपोजिट ही। अगर आप आपके पास 6 फेस रहता है 8 वर्टेक्स होंगे, अगर 8 फेस होता है 6 वर्टेक्स होंगे, अगर आपके पास फेस 12 है वर्टेक्स 20 होंगे, फेस 20 है तो वर्टेक्स आपके पास 12 होंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। एंड जो एज आएगी हमेशा, एज आपके पास फिक्स है, एज आपके पास 6 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल ऑफ 6, उसमें भी कौन कौन सी, ये 3 आएंगे ओनली, 6 12 30, ये फिक्स है, 6 12 30, इसके अंदर नहीं आएगा,
सिक्स ट्वेल्व थर्टी, बाकी इधर में आपके पास टाइप ऑफ फेस उसमें बताया हुआ है मेरा कि आपके पास कौन सा किसमें बनेगा, इसमें आपके पास स्क्वायर बन गया, इसमें ट्राइंगल बन गया एंड इसमें पेंटागन एंड इसमें ट्राइंगल, ऐसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। यहां पर इसमें देखेंगे आप स्क्वायर बना हुआ है, ट्राइंगल, पेंटागन एंड ट्राइंगल, यही चीज आपके पास वापस से बनेगा, ये आपके ध्यान। अब इसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, मीन थ्री टू फोर प्रॉपर्टीज है, अच्छी प्रॉपर्टीज है जो रेगुलर पॉलीहेड्रोन है उनके लिए ही है, रेगुलर पॉलीहेड्रोन के लिए, जो आपके पास मेनली आपके पास फाइव है, टेट्राहेड्रोन बना है, क्यूब बना है, ऑक्टाहेड्रोन बना है, डोडेकाहेड्रोन बना है, आइसोहेड्रोन बना है। आइसोहेड्रोन 20 फेस वाला, डोडेका 12 एंड ऑक्टाहेड्रोन आपके पास 8, क्यूब आपके पास 6, टेट्राहेड्रोन 4 फेस वाला। ओके चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए इसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले मेन आपके पास पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ फेसेस आर इवन, जितने भी फेस होंगे वो आपके पास कैसे होंगे, इवन ही होंगे, क्योंकि आपके पास इवन फेसेस ही बनेंगे तभी आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रोन बनेगा, ये आपको जानना। ओनली द क्यूब हैज ए नंबर ऑफ फेसेस दैट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, आपके पास क्यूब के फेस, क्यूब के फेस क्या है, इसमें 4 के मल्टीपल नहीं है, क्यूब के फेस आपके पास 4 के मल्टीपल नहीं है, मतलब 6 राइट किया हुआ है, बाकी इधर आप देखेंगे 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, सभी आपके पास 4 के मल्टीपल चलते जाएंगे, ओनली क्यूब को रिमूव कर, क्यूब को आपको रिमूव करना है, बाकी इधर से आपके पास 4 के मल्टीपल आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ वर्टिसेज आर इवन, वर्टेक्स भी कैसे इवन है, ओनली द ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट है, ये आपने देखा ये दोनों यहां पर ऑपोजिट है, इसमें आपके पास 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, बाकी अदर में 4 का मल्टीपल्स इसमें रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट में आते हैं, 6 8 8 6, ये आपको ध्यान रखना है। ओके इसके बाद थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टेक्सेस सीम टू अल्टरनेट, अल्टरनेट तो मैंने बताया था 6 8 एंड 8 6, 6 8 8 6, 12 20 20 12, इसी टाइप से रहता है आपके पास, क्यू में 6 8 है, ऑक्टाहेड्रॉन में 8 6 है, आपके पास डोडेकाहेड्रोन में 12 20 है, आइसोहेड्रोन में आपके पास 20 12 है। इसके बाद ऑल द नंबर ऑफ एजेस आर मल्टीपल ऑफ 6, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6 के मल्टीपल होंगे, 6 के मल्टीपल के साथ साथ में आप देखिए 6 12 30, ये फिक्स ही है, 6 12 30 इनमें से आएंगे, एंड आपके पास जो फेसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रेगुलर ट्राइंगल स्क्वायर एंड पेंटागन, ट्राइंगल स्क्वायर एंड पेंटागन, ट्राइंगल स्क्वायर एंड पेंटागन, जो हमने यहां पे बनाया था, ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल पेंटागन ट्राइंगल, ये आपके पास 3 पॉलीगन्स यूज होंगे इसमें रेगुलर वाले में। ओके आज का क्लास आपका इतना ही था, मीन सॉलिड्स के बारे में हमें देखना था, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला आपको लर्न किया ही है, f + v = e - 2 एंड जो सेकंड फॉर्मूला बताया था मैंने वो भी आपको लर्न करना है, सेकंड आपके पास ये बताया था f - e, बस e को साइड चेंज किया है, f - e + v = 2 - 2g, जो ये होल काउंट होता है, जो ये आपके पास होल काउंट होता है, मींस क्रॉस सेक्शन वाला हो वो आपको देखना है, क्रॉस सेक्शन जिसमें बना हुआ हो वो आपको देखना होता है। ओके मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, एंड आपका जूम क्लास 4 o'clock पर है, उसमें आपको ज्वाइन होना है सभी को। ओके नेक्स्ट क्लास में जरूर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यस नेक्स्ट क्लास में जरूर, क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते इसलिए तो मैंने आपके लिए जल्दी से मीन्स बनाया कि हम आज आपको सॉलिड्स करा देते पहले, क्योंकि पहले से स्लाइड्स बनी हुई थी। ओके हाँ यस गणेश क्वेश्चंस नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जरूर ओनली क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स सैटरडे का क्लास आपका लंबा क्लास रखेंगे उसमें ओनली क्वेश्चंस आएंगे। ओके बाय बाय जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।